फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल डिवाइस दैट रिसीव इनपुट स्टोर्स एंड मैन्यूपुलेट डाटा एंड प्रोवाइड आउटपुट इन अ यूजफुल फॉर्मेट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिकली ऐसी मशीन होती है जिसको इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि वो यूज़र से डाटा लेती है या एक्सेप्ट करती है, फिर उस डाटा की प्रोसेसिंग करती है एंड आफ्टर दी प्रोसेसिंग वो इसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देती है। अब हम बात करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स की। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि डेटा डेटा क्या है। डेटा इंस्ट्रक्शन दे रहा है अपने कंप्यूटर को इनपुट यूनिट्स के ज़रिए। इनपुट्स यूनिट क्या होते हैं? वो यूनिट्स जो हमें हेल्प करते हैं डेटा देने में या इंस्ट्रक्शन देने में। इनपुट यूनिट्स हमारे पास कीबोर्ड हो सकता है या माउस हो सकता है। इसके अलावा और भी इनपुट यूनिट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टच स्क्रीन, उसके ज़रिए भी हम अपनी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे सकते हैं। आफ्टर गिविंग दी इंस्ट्रक्शन, ये तमाम इंस्ट्रक्शन हमारे पास प्रोसेसर में चली जाएगी। प्रोसेसर यहाँ पर एज अ ब्रेन वर्क करता है, मीन्स एज अ सीपीयू जो तमाम कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में एक ब्रेन तमाम बॉडी को कंट्रोल करता है, इसी तरह प्रोसेसर तमाम बॉडी को कंट्रोल करेगा कंप्यूटर की। आफ्टर प्रोसेसिंग हमारे पास तमाम इन्फॉर्मेशन आउटपुट की फॉर्म में प्रोवाइड होगी। आउटपुट यूनिट्स हमारे पास क्या हो सकते हैं? मोनिटर और प्रिंटर, जो हमें प्रिंट की फॉर्म में भी ये तमाम इंस्ट्रक्शन दे सकती है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमें प्रिंटेड फॉर्म में भी प्रोवाइड हो सकती है। अब बात आ जाती है मेमोरी स्टोरेज की। तो मेमोरी स्टोरेज यहाँ पर ऐसे वर्किंग करेंगे कि अगर हम अपनी ये तमाम इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं तो मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस में अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। प्रोग्राम यहाँ पर वो रोल प्ले कर रहा है कि जो इंस्ट्रक्शन हमने अपने कंप्यूटर को दी थी जिन डिवाइसेस के ज़रिए, वो डिवाइसेस कैसे वर्क करेंगी। प्रोग्राम उन्हें बताएगा कि वो कैसे वर्क करें कि आगे फर्दर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो। प्रोग्राम हमें बताएगा हाउ टू डू, कि हमें ये किस तरह से करना है। और मेमोरी स्टोरेज बताएगी कि व्हेन टू डू, हमें ये कब करना है, कि मेमोरी हमें बताएगी कि हमें किस टाइम इसे अपने अंदर स्टोर करना है। इस तरह कंप्यूटर की तमाम वर्किंग प्रोसेस करती है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली कंप्यूटर हैव टू मेन कंपोनेंट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ अ फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जिसे हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। इन अ ब्रॉडर सेंस कंप्यूटर हार्डवेयर को थ्री डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर वन इज़ इनपुट यूनिट्स, नंबर टू इज़ स्टोरेज यूनिट्स, नंबर थ्री इज़ आउटपुट यूनिट्स। इनपुट यूनिट्स में तमाम इनपुट डिवाइसेस आएंगी, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, डिजिटल कैमरा, जॉयस्टिक एंड टच स्क्रीन। स्टोरेज यूनिट्स में तमाम स्टोरेज डिवाइसेस आएंगी, फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, रैम, रोम। आउटपुट यूनिट्स में तमाम आउटपुट डिवाइसेस आएंगी, फॉर एग्जांपल मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, एलसीडी एंड हेडफोन्स। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक ऐसी टर्म है जो ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर डेटा और इंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम्स को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम हदायत का वो सेट होता है जो एक मखसूस मसला हल करने के लिए कंप्यूटर को दिया जाता है। इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर वन इज़
सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड नंबर टू इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए एग्जांपल्स हैं हमारे पास फाइल मैनेजर्स, डिस्प्ले मैनेजर्स एंड नेटवर्क कंट्रोल सॉफ्टवेयर। इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे पास कुछ फर्दर एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस। कंप्यूटर हार्डवेयर, अब हम इसमें फर्दर बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस की। जो डाटा और इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं। अब बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। अ हार्डवेयर कंपोनेंट यूज्ड टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। वो डाटा जो हमने इनपुट डिवाइसेस के जरिए एंटर कराया है उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस हमारे पास कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन और स्कैनर हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमने कंप्यूटर में जो डाटा एंटर करवाया है वो हम किसी इनपुट चीज़ से एंटर करवाएंगे, और जिस चीज़ से एंटर करवाएंगे उसे हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल वो कीबोर्ड हो सकता है, वो माउस हो सकता है या टच स्क्रीन हो सकता है। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कीबोर्ड की। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइस है और डाटा को मोस्टली कीबोर्ड से ही एंटर करवाते हैं। और जो कीबोर्ड के ऊपर बटन होते हैं वो कीज़ कहलाते हैं, और एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड पर 100 कीज़ होती हैं, और कीबोर्ड के ऊपर इन कीज़ की अरेंजमेंट को की लेआउट कहते हैं। और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कीबोर्ड लेआउट क्वालिटी है, और ये लेटर्स मतलब QWERTY कीबोर्ड की टॉप रोज पर प्रेजेंट होते हैं। कीबोर्ड के ऊपर जो प्रेजेंट कीज़ हैं उन्हें नीचे लेबल किया गया है, ये डिफरेंट टाइप की परफॉर्मेंस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शन की। फंक्शन की क्या है? फंक्शन कीज़ कीबोर्ड के ऊपर टॉप रोज में F1 और F12 कीज़ प्रेजेंट होती हैं। इनका काम स्पेशल टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करना है। F1 की इज़ यूज्ड टू गेट हेल्प इन विंडोज़, ये विंडो में हेल्प करती है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे अल्फा न्यूमेरिक कीज़ की। अल्फा न्यूमेरिक कीज़ इंक्लूड ऑल अल्फ़ाबेट्स और डिजिट 0 to 9। बैकस्पेस, इससे हम अपनी लिखे गए डाटा को डिलीट कर सकते हैं। और नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। एंटर की। एंटर की इज़ यूज्ड टू एंटर कमांड, इसके ज़रिए हम कोई कमांड एंटर कर सकते हैं या इनपुट डाटा को एंटर करवाया जा सकता है। बैकस्पेस की। बैकस्पेस की इज़ यूज्ड टू डिलीट अ सिंगल लेटर और नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। अब कैप्स लॉक की आ जाएगी। कैप्स लॉक की इज़ अ टॉगल की, अगर हम इसे प्रेस करें तो जो करेक्टर्स होते हैं वो हमें अपर केस में अपीयर हो जाते हैं, और अगर हम इसे प्रेस ना करें तो करेक्टर्स लोअर केस में ही रहते हैं। अगली बात करेंगे हम टैब की। टैब की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप। इट इज़ ऑल्सो यूज इन डायलॉग बॉक्स टू मूव फ्रॉम वन ऑप्शन और फील्ड टू अनदर। इसी तरह हमारे पास मॉडिफायर की है, कर्सर कंट्रोल कीज़ है। कर्सर कंट्रोल कीज़ कंसिस्ट ऑफ एरो कीज़, होम, एंड पेज, पेज अप, पेज डाउन कीज़। होम की। होम की इज़ नॉर्मली यूज इन वर्ड प्रोसेसिंग और टेक्स्ट एडिटर्स। एंड की। एंड की इज़ नॉर्मली यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग टू मूव द कर्सर टू द राइट ऑफ स्क्रीन और टू द एंड ऑफ द स्क्रीन और डॉक्यूमेंट्स। इसी तरह हमारे पास एरो की हैं, स्पेशल पर्पसेस की हैं, एस्केप, डिलीट, इंसर्ट, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल, लॉक, पॉज या ब्रेक। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारी की हैं। अब आगे हम इसकी टाइप्स की बात करेंगे। Types of keyboard. Keyboard have many types, but some are here. Now we are going to discuss about these keyboard. Ergonomic keyboard, gaming keyboard, and QWERTY keyboard. सबसे पहले हम देखेंगे what is ergonomic keyboard. इस keyboard को specially इसलिए design किया गया है ताकि typing के दौरान wrist injuries के chances को कम किया जा सके। और इस keyboard का सबसे बड़ा काम comfort, efficiency और safety provide करना है। सम टाइम कुछ एक्सपीरियंस लोग जब टाइपिंग करते हैं तो उनको भी इंजरीज हो जाती हैं, और इस कीबोर्ड का सबसे बड़ा मकसद उन इंजरीज से बचाना है। सेकंड टाइप है हमारे पास गेमिंग कीबोर्ड। ये कीबोर्ड ही की टाइप है जिसको स्पेशली कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए बनाया गया है। इसमें कुछ की प्रोग्रामेबल कीज़ होती हैं जो कीबोर्ड को कस्टमाइज़ करती हैं गेम खेलने के लिए। थर्ड वन टाइप है क्वालिटी कीबोर्ड। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है जो कि नॉर्मली क्वालिटी कीबोर्ड कहलाता है, और इसको हम QWERTY इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फर्स्ट 6 कीज़ कीबोर्ड की टॉप रोज पर प्रेजेंट होती हैं, और इनकी डायग्राम आपको सामने शो हो रही हैं।
माउस, माउस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस। माउस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली पॉइंटिंग डिवाइस है। इसको पॉइंटर की हेल्प से स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शन इनपुट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पॉइंटर हमें एरो की फॉर्म में स्क्रीन पर विजिबल होता है। माउस फ्लैट सरफेस पर मूव करता है ताकि इससे जो स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर की मूवमेंट हो रही है उसको कंट्रोल किया जा सके। एक माउस में दो या तीन बटन होते हैं और इसमें एक व्हील स्क्रॉल भी होता है। अब हम देखते हैं कि इन बटन्स का क्या रोल है। नंबर वन इज़ लेफ़्ट क्लिक। लेफ़्ट क्लिक से ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फाइल आइकॉन और पीस ऑफ टेक्स्ट ऑन अ डॉक्यूमेंट या किसी बटन को, जैसे स्टार्ट बटन पर प्रोग्राम को ओपन या क्लोज कर सकते हैं, या विंडो को मिनिमाइज़ करने के लिए हम लेफ़्ट क्लिक को यूज़ करते हैं। नंबर टू इज़ राइट क्लिक। फाइल, फोल्डर्स और डेस्कटॉप वगैरह की प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए हम राइट क्लिक को यूज़ करते हैं। स्क्रॉल व्हील, स्क्रॉल व्हील जो लेंथी डॉक्यूमेंट्स की स्क्रॉलिंग के लिए यूज़ होता है। टाइप्स ऑफ माउस, माउस हैव मैनी टाइप्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज टाइप्स ऑफ माउस। नंबर वन इज़ ऑप्टिकल माउस, नंबर टू इज़ एयर माउस, नंबर थ्री इज़ वायरलेस माउस। सो ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल माउस कंटेन नो बॉल इनसाइड इट, और ये एक ऐसी डिवाइस यूज़ करता है जो कि लाइट को इमिट करता है माउस की मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए। ऐसे माउस में ऑप्टिकल सेंसर्स और लेज़र्स यूज़ होते हैं और ये मैकेनिकल माउस से ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और आजकल बहुत सारे माइक भी ऑप्टिकल फॉर्म में अवेलेबल हैं। नंबर टू इज़ एयर माउस। ये एक मोशन सेंसिंग माउस है और इस माउस को हम हवा में मूव करवाते हैं और इससे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, फॉर एग्ज़ाम्पल मीडिया प्लेयर्स को और जो स्लाइड्स हम अपनी स्क्रीन पर शो करवा रहे होते हैं उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस माउस को हम ऑलमोस्ट एयर में ही कंट्रोल करते हैं। नंबर थ्री इज़ वायरलेस माउस। इस माउस को काम करने के लिए किसी वायर की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑप्टिकल माउस को हम USB पोर्ट के ज़रिए अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं, बट वायरलेस माउस हैज़ नो नीड ऑफ एनी वायर, और ये डाटा को ट्रांसफ़र करता है वायरलेस टेक्नोलॉजी के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड लाइट वेव्स, वो हमारे पास रेडियो वेव्स की फॉर्म में हो सकती हैं या फिर इंफ्रारेड लाइट वेव्स की फॉर्म में हो सकती हैं। टच माउस, टच माउस हैज़ अ फ्लैट सरफेस और ये एक सेंसिटिव माउस होता है जो टच गेस्चर को रिकॉग्नाइज करता है, और यूज़र्स अपनी फिंगर की हेल्प से कर्सर को स्क्रीन पर मूव करवाते हैं और ये टच पैड भी कहलाता है। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल एक स्टेशनरी डिवाइस है और इसको माउस के अल्टरनेटिव यूज़ किया जाता है। इस डिवाइस पर भी दूसरे माउस की तरह बटन्स होते हैं और इसके टॉप पर एक लार्ज रोटेटिंग बॉल होता है। ट्रैक बॉल की बॉडी मूव नहीं करती और ट्रैक बॉल को फिंगर्स की हेल्प से रोल करते हैं। ट्रैक बॉल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये दूसरे माउस की तरह कम जगह घेरता है, और ट्रैक बॉल लैपटॉप कंप्यूटर के साथ भी अटैच किया जाता है या इसको अटैच करवाया जा सकता है। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है जिसे कंप्यूटर गेम्स या किसी डिज़ाइन को कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली एक बेस और एक स्टिक होती है। स्टिक को हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। जॉयस्टिक ट्रैक बॉल और माउस की तरह ही काम करती है और ये लेस कंफर्टेबल और एफिशिएंट डिवाइस है। इसको ज़्यादातर कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए यूज़ करते हैं। सम ऑफ द लेटेस्ट जॉयस्टिक आर लॉजिटेक फ्रीडम 2.4, जो कि वायरलेस डिवाइस है, विदाउट वायर काम करती है। ऑडियो इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर की अदर इनपुट डिवाइसेस की तरह
साउंड, म्यूजिक या किसी और वॉइस को कंप्यूटर में एंटर कराने के लिए हम ऑडियो इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑडियो इनपुट्स होती क्या हैं। साउंड को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसे ऑडियो इनपुट कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीच, म्यूज़िक और अदर साउंड इफ़ेक्ट। इसमें हम स्पीच भी कर सकते हैं, कोई म्यूज़िक भी एंटर करा सकते हैं या अदर साउंड इफ़ेक्ट जो हम अपने कंप्यूटर में एंटर करवाना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं। ऑडियो को हम डिफरेंट डिवाइसेस के ज़रिए एंटर करवा सकते हैं, लाइक माइक्रोफोन, टेप प्लेयर, सीडी, डीवीडी प्लेयर और रेडियो। कंप्यूटर में हाई क्वालिटी साउंड को एंटर करने के लिए साउंड कार्ड की ज़रूरत होती है। अब कंप्यूटर में हमने जो ऑडियो एंटर करवानी है उनके लिए डिफरेंट डिवाइसेस हैं, कुछ को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। नंबर वन इज़ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जो ह्यूमन वॉइस या डाटा को डिजिटली रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होता है। इसको हम रिकॉर्डर या कंप्यूटर के साथ प्लग कर सकते हैं। बहुत से प्रोग्राम माइक्रोफोन की आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इनकी मदद से यूज़र टेक्स्ट को लिखवा सकते हैं या इनकी मदद से ओरल कमांड इशू करवा सकते हैं। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर साउंड इम्पल्सिस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। नंबर टू है हमारे पास मिडी डिवाइसेस। मिडी स्टैंड फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेरेंस। ये डिवाइस कंप्यूटर में म्यूज़िक और अदर साउंड्स को एंटर करने में यूज़ होती है। ये डिवाइस साउंड कार्ड की हेल्प से कंप्यूटर में कनेक्ट होती है। यूज़र कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से साउंड, म्यूज़िक और अदर साउंड को एडिट भी कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो एग्ज़ाम्पल है इलेक्ट्रॉनिक पियानो। इलेक्ट्रॉनिक पियानो की मदद से हम अपनी आवाज़ को या म्यूज़िक को चला सकते हैं और इसमें एक ऐसी एबिलिटी होती है कि कंप्यूटर अपने सॉफ्टवेयर के ज़रिए इनके म्यूज़िक को एडिट भी कर सकता है। डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए हम पिक्चर्स लेते हैं और वो एज अ डिजिटल इमेज स्टोर होती हैं। डिजिटल कैमरा में जो कैप्चर्ड इमेज हम स्टोर करते हैं वो उसे अपने कैमरा की स्टोरेज में भी महफूज कर सकता है या उसको डिफरेंट टाइप के मेमोरी कार्ड में भी स्टोर कर किया जा सकता है। डिजिटल कैमरा टिपिकली जो कंप्यूटर में पिक्चर्स को ट्रांसफ़र करता है वो वायर कनेक्शन या फिर विदाउट वायर कनेक्शन, मतलब वायरलेस कनेक्शन से भी इसे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जा सकता है और विद अ वायर भी कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और बहुत सारे डिजिटल कैमरास अलाउ करते हैं यूज़र्स को कि वो इमेज को एडिट कर सकें। द नंबर ऑफ़ फ़ोटोज़ डिपेंड अपॉन द मेमोरी ऑफ कैमरा स्टोरेज। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस कैमरे की वजह से हम इनएक्सपेंसिव और फास्टली फ़ोटोज़ कैप्चर कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी तरह के फिल्म प्रोसेस की कोई ज़रूरत नहीं होती और बहुत सारे स्मार्टफोन और अदर मोबाइल डिवाइसेस भी डिजिटल कैमरा को बिल्ट इन कर सकते हैं। डिजिटल कैमरास बहुत सारी वाइड वैरायटी, रेंज, साइज़ और कैपेबिलिटीज़ के साथ अवेलेबल होते हैं। और क्वालिटी ऑफ डिजिटल कैमरा फ़ोटो डिपेंड ऑन इट्स रेजोल्यूशन। और कैमरा के फ़ोटो की क्वालिटी इसकी रेजोल्यूशन पर डिपेंड करती है। और सबसे बड़ी बात रेजोल्यूशन पिक्चर्स की शार्पनेस को बताती है। इमेज रेजोल्यूशन फॉर डिजिटल कैमरा इज़ मेजर्ड इन मेगापिक्सल्स। इसकी रेंज को हम मेगापिक्सल्स में मेजर करते हैं और मेगापिक्सल्स आर मिलियन ऑफ पिक्सल्स इन अ ग्राफिक। और आज के दौर में जो कैमरा यूज़ हो रहा है वो टिपिकली 5 और 20 मेगापिक्सल्स पर कंसिस्ट है। टाइप्स ऑफ डिजिटल कैमरास। नंबर वन इज़ पॉइंट एंड शूट कैमरा। नंबर टू इज़ DSLR कैमरा। नंबर थ्री इज़ कैमरा इन स्मार्टफोन। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट एंड शूट कैमरा की। पॉइंट और शूट कैमरा एक अफोर्डेबल और लाइट वेट डिजिटल कैमरा है। इसके अंदर लेंजेस होते हैं और इसके पास एक स्क्रीन भी होती है जिसमें हमारी फ़ोटोग्राफ्ड इमेजेस को ये डिस्प्ले कर सकता है। और पॉइंट एंड शूट कैमरास डिफरेंट वैरायटी, साइज़ और कैपेबिलिटीज़ के साथ अवेलेबल होते हैं और ये एक्सेप्टेबल होता है क्वालिटी फ़ोटोग्राफिक इमेजेस फॉर द होम और स्मॉल बिजनेस यूज़र्स के लिए। बहुत सारे पॉइंट और शूट कैमरास में जूम की अवेलेबिलिटी होती है और ऑटो फोकस कैपेबिलिटी भी होती है जो यूज़र्स बिल्ड करते हैं इन फ्लैश में। इसके साथ हम जूम भी कर सकते हैं और फोकस भी कर सकते हैं।
और बहुत सारे पॉइंट और शूट कैमरास वीडियो भी बना सकते हैं, जिनके ज़रिए हम वीडियोस को डिफरेंट वेज डिफरेंट तरीक़ों से बना सकते हैं। नंबर टू इज़ DSLR कैमरा। DSLR डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा, ये बहुत ज़्यादा वर्सटाइल और एक्सपेंसिव टाइप का कैमरा होता है और ये अपने यूज़र्स को अलाउ करता है कि उसका लेंस चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो अपनी पिक्चर्स को कितना जूम करना चाहते हैं, कितना अपनी पिक्चर्स पर फोकस करना चाहते हैं, उस हिसाब से ही उसका लेंस चेंज भी कर सकते हैं। इट्स लेंस मे कॉस्ट $100 और $1,000। इसके लिए जो कॉस्ट आती है वो $100 और $1,000 की होती है। इट हैज़ अ स्क्रीन, इसके पास भी एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर हमारी फोटोग्राफ्ड इमेजेस को हम डिस्प्ले करा सकते हैं और यूज़र्स इस पर मैनुअली एडजस्ट फोकस एंड एक्सपोजर, इसके ऊपर भी फोकस कर सकता है और एक्सपोजर भी कर सकते हैं। मैनी DSLR कैन ऑल्सो रिकॉर्ड हाई डेफिनेशन वीडियोज़। DSLR के ज़रिए हम हाई डेफिनेशन वीडियोज़ को बना सकते हैं। DSLR कैमरा आर मच हैवियर एंड लार्जर दैन पॉइंट एंड इन शूट कैमरा, और ये मच हैवियर और लार्जर होता है पॉइंट एंड शूट कैमरा से। अब बात करते हैं हम कैमरा इन स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन में भी बहुत सारे डिजिटल कैमरास होते हैं जिनके ज़रिए हम वीडियोस और इमेजेस को कैप्चर कर सकते हैं, बना सकते हैं और हमें वो फ़ोन की स्क्रीन पर विजिबल हो सकती हैं। ये हमारे पास डिफरेंट रेंज साइज और वैराइटीज़ में अवेलेबल होती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनके ज़रिए हम डाटा, प्रोग्राम्स और इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, और इनको हम सेकेंडरी स्टोरेज, मैस स्टोरेज और ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहते हैं। जो इसमें मेन मेमोरी होती है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, और स्टोरेज डाटा को स्टोर करने और प्रोग्राम्स को परमानेंटली स्टोर करने की एबिलिटी रखती है। डिफरेंट टाइप्स की स्टोरेज मीडिया को, इंफॉर्मेशन को और डाटा को अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं, और इसको नॉन वोलेटाइल भी कहते हैं, क्योंकि अगर कंप्यूटर बंद हो जाए तो इसमें जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो महफूज रहती है। स्टोरेज मीडिया आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस एंड कैपेबिलिटीज़, ये डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट कैपेसिटीज़ के साथ अवेलेबल होती हैं। स्टोरेज मीडिया कैन बी अ रिमूवेबल, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल स्टोरेज हो। इसमें कुछ एग्जांपल्स आती हैं स्टोरेज मीडिया की। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टोरेज में हम देख सकते हैं हार्ड डिस्क, USB फ्लैश ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क को, मेमोरी कार्ड और सॉलिड स्टेट ड्राइव को। मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। ऑल कंप्यूटर नीड टू स्टोर डाटा, तमाम कंप्यूटर्स को डाटा स्टोर करने की ज़रूरत होती है, और ये डाटा टेम्परेली और परमानेंटली भी स्टोर होता है। और प्रोग्राम की रनिंग के लिए टू टाइप्स की मेमोरी हैं, नंबर वन इज़ प्राइमरी मेमोरी और नंबर टू इज़ सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी की प्रोसेसर तक बराह रास्त रसाई होती है और ये फिर वक्त इस्तेमाल होने के लिए डाटा और प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। कंट्रोल यूनिट की मेन मेमोरी या प्रोसेसर से बाहर स्टोर किए गए डाटा तक बराह रास्त रसाई नहीं होती। हमें स्टोरेज के ऐसे डिवाइस की ज़रूरत होती है जो कि टेम्परेरी ना हो और मेन मेमोरी की तरह इस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस भी ना हो। ऐसी डिवाइस को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की फर्दर आगे बहुत सी टाइप्स हैं जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। मैग्नेटिक डिस्क। हम मैग्नेटिक डिस्क में डाटा मैग्नेटिक डायरेक्शन में स्टोर करते हैं। इसके आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। अब हम बात करते हैं हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क क्या है, इसकी वर्किंग क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं, और इसमें डाटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। हार्ड डिस्क, अक्सर डिजिटल कंप्यूटर्स कम से कम एक हार्ड डिस्क ड्राइव इस्तेमाल करते हैं। कुछ बड़े पैमाने पर कंप्यूटर्स आमतौर पर सैकड़ों हार्ड डिस्कों पर मुश्तमिल होते हैं। हार्ड डिस्क डिजिटल डाटा को मुस्तकिल तौर पर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि जब लाइट चले जाती है तो भी हार्ड डिस्क पर डाटा महफूज रहता है। अब हम बात करेंगे कैपेसिटी और परफॉर्मेंस की। आजकल एक मखसूस डिस्क टाइप कंप्यूटर में 80 GB से ज़्यादा सलाहियत की हार्ड डिस्क होती है। डिस्क पर डाटा फाइलों की शक्ल में स्टोर होता है। फाइल बाइट्स के मजमुओं को दिए गए नाम को कहते हैं। टेक्स्ट फाइल के करेक्टर्स के लिए बाइट्स कोड्स भी होते हैं।
ये कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की हदायत या स्टोर्ड इंफॉर्मेशन या फिर इमेज के लिए पिक्सल्स के कलर्स हो सकते हैं। हार्ड डिस्क की कारकर्दगी की नुमाइश के लिए दो तरीके हैं, नंबर वन इज़ डेटा रेट एंड नंबर टू इज़ सीक टाइम। डेटा रेट एक सेकेंड में बाइट्स की वो तादाद है जो कि ड्राइव सीपीयू को पहुंचाती है। आम रेट 5 और 40 मेगाबाइट्स के दरमियान होता है। सीक टाइम एड्रेस पढ़ने के बाद हेड को मुनासिब ट्रैक पर लाने के लिए जितना वक्त इस्तेमाल होता है उसे सीक टाइम कहते हैं। अब हम आ जाएंगे डेटा की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कि डेटा किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है हार्ड डिस्क में। डेटा को बड़ी प्लेट की सतह पर सेक्टर्स या ट्रिक्स में दाखिल किया जाता है। ट्रैक हम मरकज़ दायरे होते हैं जिन्हें मज़ीद सेक्टर्स में तकसीम किया जाता है। ट्रैक को ख़ास तौर पर 80 सेक्टर्स में तकसीम किया जाता है। सेक्टर डेटा की बाइट्स की मुकर्रर तादाद पर मुश्तमिल होता है। जब डेटा को हार्ड डिस्क से वापस लाना हो तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम आम तौर पर मेमोरी में पूरे ट्रैक को पढ़ता है। जैसा कि वीडियो एक लगाई गई है, इसमें हम बार बार एक पेपर को दिखाते हैं और उसके बाद हार्ड डिस्क में वर्किंग स्टार्ट हो जाती है कि जब भी हार्ड डिस्क ने कोई काम करना होता है तो पहले वो उस चिप को देखता है कि उस पर लिखा क्या है, उसके बाद हार्ड डिस्क अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देता है, पूरे ट्रैक को पढ़ता है अगर जी सिर्फ एक ही बाइट दरकार क्यों ना हो। ये आम तौर पर कंप्यूटर सिस्टम की कारकर्दगी को बढ़ाती है। हार्ड डिस्क में एक से ज़्यादा प्लेट हो सकती हैं और हर प्लेट की दो लेयर्स होती हैं। हर लेयर पर ट्रिक्स को 0, 1, 2 से लेकर n नंबर तक किसी भी नंबर से ज़ाहिर किया जाता है। एक ही ट्रैक नंबर वाले डिस्क पर तमाम ट्रैक्स एक सिलेंडर बना देते हैं। ट्रैक्स और सेक्टर्स की पोजीशन मुकर्रर नहीं होती, लेकिन इन पोजीशंस को एक तरीक़ाकार से निशानजदा किया जाता है जिसे फॉर्मेट कहते हैं। फॉर्मेटिंग दो तरह से की जाती है, लो लेवल फॉर्मेटिंग एंड हाई लेवल फॉर्मेटिंग। लो लेवल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, निचले दर्जे की फॉर्मेटिंग के दौरान मीन्स लो लेवल फॉर्मेटिंग के दौरान ड्राइव डिस्क के ट्रैक्स और सेक्टर्स पर निशान लगाई जाते हैं। अमूमन ऐसा डिस्क बनाने वाला करता है, मीन्स जो डिस्क बन रही होती है उस टाइम पर ऐसा होता है। इस तरीका कार में सेक्टर के शुरू और आखिर में डॉट्स लगाए जाते हैं। ये तरीका ड्राइव को डाटा बरकरार रखने के लिए तैयार करता है। अब हम बात करेंगे हाई लेवल फॉर्मेटिंग की। तो हाई लेवल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, इस फॉर्मेटिंग के दौरान फाइल स्टोरेज से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन डिस्क पर लिखी जाती है जिसे फाइल एलोकेशन टेबल कहते हैं। ये डाटा बरकरार रखने के लिए ड्राइव तैयार करता है। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क इज़ अ फॉर्म ऑफ रिमूवेबल स्टोरेज। इट इंक्लूड्स CDs, DVDs एंड ब्लू रे डिस्क। ऑप्टिकल ड्राइव्स यूज अ लेज़र टू रीड एंड राइट डाटा ऑन ऑप्टिकल डिस्क। द लेज़र स्टैंड फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड इमिलेशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र बीम राइट ऑन द सर्फेस बाई क्रिएटिंग स्मॉल पिट होल इन अ डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क कॉमनली स्टोर डाटा इन अ सिंगल ट्रैक दैट स्पायरल फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क टू द एजिज ऑफ डिस्क। मोस्ट डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर हैव एट लीस्ट वन ऑप्टिकल ड्राइव। ऑप्टिकल ड्राइव रीड डाटा बाई फोकसिंग लेज़र बीम ऑन द सर्फेस ऑफ डिस्क। अ लेज़र डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ ए पिट। द प्रेजेंस ऑफ पिट इंडिकेट वन एंड एब्सेंस ऑफ पिट इंडिकेट जीरो। लेज़र बीम कन्वर्ट दीज पिट इंटू डिजिटल डाटा। ऑप्टिकल डिस्क स्टोर कैपेसिटी इज फ्रॉम 700 MB टू सेवरल GB। इसमें डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज हैं, CD, DVD एंड ब्लू रे डिस्क। CD स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क, DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क, ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज हमारे पास 100 GB होती है जबकि DVD की स्टोरेज हमारे पास 17 GB होती है। और CD रोम में हम डिफरेंट टाइप की पिक्स, ऑडियोज और कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर को स्टोर कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में हम डाटा को टेम्परेरी तौर पर सेव करते हैं और इसमें टू स्टोर द प्रोग्राम करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। जो प्रोग्राम हमने स्टोर किए होते हैं उन्हें एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है। टू होल्ड द डाटा प्रोड्यूस वाइल द प्रोग्राम इज़ रनिंग। और डाटा को होल्ड किया जा सकता है जब प्रोग्राम रनिंग में होता है। प्राइमरी मेमोरी की दो बड़ी टाइप्स हैं, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली मेमोरी। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, इसमें डाटा और इंस्ट्रक्शंस को टेम्परेरी तौर पर स्टोर किया जाता है।
रैम में डाटा किसी भी लोकेशन तक एक्सेस में इक्वल टाइम लेता है। सीपीयू रैम में टू टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म करता है, नंबर वन इज़ रीड एंड नंबर टू इज़ राइट। रीड ऑपरेशन के दौरान मेमोरी लोकेशन के कॉन्टेंट्स सीपीयू रजिस्टर पर कॉपी हो जाते हैं, जबकि राइट ऑपरेशन के दौरान रजिस्टर के कॉन्टेंट्स मेमोरी लोकेशन पर कॉपी हो जाते हैं। सीपीयू मेमोरी लोकेशन पर कोई और ऑपरेशन नहीं कर सकता। रैम को आमतौर पर दो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, नंबर वन इज़ डायनेमिक रैम एंड नंबर टू इज़ स्टैटिक रैम। यहाँ पे हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे स्टैटिक रैम को। स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से ज़्यादा फास्ट और एक्सपेंसिव होती है। डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम में ये फ़र्क है कि स्टैटिक रैम को बार बार स्टैटिक रैम के कंटेंट्स को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सीपीयू चिप में बहुत तेज़ मेमोरी के लिए अक्सर कंप्यूटर्स में स्टैटिक रैम टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। इस मेमोरी को कैश मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर में कुल मेमोरी के मुकाबले में ये मेमोरी साइज़ में बहुत छोटी होती है, लेकिन ये कंप्यूटर के काम करने की सलाहियत को बढ़ा देती है। अब हम बात करेंगे डायनेमिक रैम की। डायनेमिक रैम आम तौर पर रैम चिप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली टेक्निक है। चूँकि डी रैम में पीरियोडिकली डाटा को रिफ्रेश होने की ज़रूरत होती है, इसलिए डी रैम बहुत ज़्यादा पावर इस्तेमाल करती है। इसकी कुछ खसूसियात बताएंगे। जो डाटा हम अपनी रैम में सेव करते हैं, जैसे ही हमारी लाइट चली जाती है या हमारा लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए, तो हमारा सारा डाटा उसमें से डिलीट हो जाता है। ये रैम टेम्परेरी रैम होती है, परमानेंट रैम नहीं होती। सीपीयू रैम पर डाटा राइट और रीड कर सकता है, इसलिए इसे हम रीड राइट मेमोरी कहते हैं। क्योंकि रैम के किसी भी हिस्से तक रसाई हो सकती है, इसलिए रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रोम रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम के नाम से जाहिर है कि रोम सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है। इसके कंटेंट्स को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसमें नया डाटा एंटर नहीं किया जा सकता। रोम बनाने वाला डाटा और प्रोग्राम्स को इसमें मुस्तकिल तौर पर लिख देता है। इस डाटा और प्रोग्राम्स को आम तौर पर तब्दील नहीं किया जा सकता। रोम ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हदायत और डाटा को महफूज करती है। रोम में ऐसा डाटा स्टोर किया जाता है जिसे तब्दील करने की ज़रूरत नहीं होती। Now we are going to discuss about the types of ROM. Number one is PROM, Programmable Read Only Memory. ROM की ये condition शुरू में blank होती है, means ROM की जो type है ये start में blank होती है और user इस पर नया data किसी special device के ज़रिए enter कर सकता है। एक दफ़ा PROM पर लिखे जाने के बाद data program में कोई changing नहीं की जा सकती। इस किस्म की ROM को data काफ़ी अरसा के लिए store करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड टाइप है EPROM, Erasable Programmable Read Only Memory। PROM की तरह स्टार्ट में ये भी ब्लैंक होती है और यूज़र्स या मैन्युफैक्चरर्स ख़ास किस्म की डिवाइसेस की मदद से इस पर डाटा लिख सकते हैं। PROM के निस्बत यूज़र्स स्पेशल डिवाइसेस के ज़रिए या अल्ट्रा वॉलेट रेज के इस्तेमाल से इस पर लिखे गए डाटा को क्लियर भी कर सकते हैं, मतलब डेटा को साफ़ भी कर सकते हैं। लिहाजा इस किस्म की रोम पर डेटा को तब्दील भी किया जा सकता है और नया डेटा भी लिखा जा सकता है। इस किस्म की रोम पर लिखे गए डेटा को तब्दील किया जा सकता है, लिहाजा जिस डेटा को अपडेट करना हो उस पर लिखा जा सकता है, लेकिन बार बार डेटा में तब्दीली से डेटा EPROM पर नहीं लिखा जा सकता। थर्ड टाइप हमारे पास होगी EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के इस्तेमाल से इस किस्म की रोम पर दोबारा लिखा जा सकता है। EEPROM पर स्टोर किए गए डाटा को आसानी से तब्दील किया जा सकता है। डाटा का बैकअप लेने के लिए और उन रिकॉर्डर्स को बरकरार रखने के लिए जिनको पीरियोडिकली अपडेट करना हो, तो EEPROM बहुत यूज़फुल होती है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये नॉन वोलाटाइल होती है, मींस अगर लाइट चली भी जाती है तो हमारा डाटा ऑलरेडी इसमें महफूज रहता है, डाटा ख़त्म नहीं होता। अक्सर रोम चिप्स कसरत से इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसा कि छोटे प्रोग्राम और डाटा जिन्हें काफ़ी अरसा तक तब्दील ना किया जाना हो
ये कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर वो चिप है जो आपके कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ होता है, जिसमें बेसिकली तमाम की तमाम प्रोसेसिंग हो रही होती है। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। सीपीयू का सबसे बड़ा काम इनपुट यूनिट को अलग करना, इनको प्रोसेस करना और यूज़फुल इंफॉर्मेशन की सूरत में आउटपुट देना होता है। ये आउटपुट यूज़र्स और दूसरे कंप्यूटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीपीयू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का हाईली कॉम्प्लेक्स सेट है जो कि प्रोग्राम्स की हदायत को बजा लाता है। ये एक तेज़ कैलकुलेटर की तरह होता है और इसमें नंबर्स को रिकॉल करने की एबिलिटी भी होती है। इनके साथ साथ ये अरिथमेटिक और लॉजिक फंक्शन भी परफॉर्म करता है, जैसा कि सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वगैरह। हर कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर वन इज़ कंट्रोल यूनिट एंड नंबर टू इज़ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। हर हिस्से का अपना एक मखसूस फंक्शन होता है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स। अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर कंसिस्ट होता है जो तमाम अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। इसमें हम बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। आम तौर पर एक लॉजिकल ऑपरेशन से मुराद अदाद, हरूफ या स्पेशल करेक्टर्स का मवाजना है। कंप्यूटर मवाजना के नतज को बुनियाद बनाते हुए अमल कर सकता है। ये एक बहुत ही अहम सलाहियत है। इसमें तीन तरह की कंडीशन को टेस्ट किया जाता है जो कि लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करती हैं। नंबर वन इज़ इक्वल टू कंडीशन, लेस देन कंडीशन एंड ग्रेटर देन कंडीशन। अब हम बात करेंगे कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट एक ऐसे सर्किट पर कंसिस्ट होता है जो कि प्रोग्राम बजा लाने में पूरे कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देने के लिए सिग्नल्स जारी करता है। कंट्रोल यूनिट बजाते खुद प्रोग्राम की हदायत को बजा नहीं लाता, बल्कि ये दूसरे हिस्सों को ऐसा करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट मेमोरी और कंप्यूटर सिस्टम के दूसरे हिस्सों में रابطہ पैदा करता है। ये प्रोसेसर के ज़रिए हदायात के बहाव को कंट्रोल करता है और दूसरे यूनिटों की सरगर्मियों में रब्त कायम करता है। ये यूनिट क्लॉक पल्सेस भी फ्राहम करता है। क्लॉक प्लस तमाम ऑपरेशंस की रफ्तार को बकायदा करने और कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ALU और CU के अलावा प्रोसेसर में मालूमात स्टोर करने के लिए स्टोरेज लोकेशंस होती हैं, जिनमें ज़ेरे इस्तेमाल इंफॉर्मेशन प्रोसेस की जाती है। ये रजिस्टर्स कहलाती हैं। ये हदायात या डाटा के लिए वक्ती स्टोरेज होती है। रजिस्टर को इस तरह मुनज़िम किया जाता है कि वह कंट्रोल यूनिट के ज़रिए हदायात या डाटा को हासिल करे, रोके रखे और इन्हें मुंतकिल कर सके, ताकि अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से अमल में आएँ। आउटपुट डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर से डाटा और इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए यूज़ हों, आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर हैं। आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास टू फॉर्म में होती हैं, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी इलेक्ट्रॉनिक वर्जन नॉर्मली एज अ फाइल जिसको स्टोरेज डिवाइस पर स्टोर किया जाए, सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। हार्ड कॉपी प्रिंटेड वर्जन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ऑन अ पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जो हमारे पास प्रिंट फॉर्म में हो उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। टच स्क्रीन, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ऐसी डिवाइसेस इनपुट और आउटपुट दोनों के तौर पर यूज़ होती हैं। मॉनिटर। मॉनिटर पर्सनल कंप्यूटर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आउटपुट डिवाइस है। इसे डिस्प्ले स्क्रीन भी कहते हैं। आप टाइपिंग करते हुए, कोई कमांड देते हुए, इंटरनेट सर्फिंग करते हुए, हत्ता के म्यूज़िक सुनते हुए भी मॉनिटर पर ज़रूर देखते हैं। स्क्रीन पर पिक्चर्स कितनी अच्छी दिखाई देती हैं, ये बहुत सारे कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है, जिनमें से एक रेजोल्यूशन है जो कि मॉनिटर की क्वालिटी पर डिपेंडेंट होती है। रेजोल्यूशन मीन्स स्क्रीन पिक्सल्स की रेंज है जो कि लाइन्स की कंडीशन में होती है। कलर्स के अकॉर्डिंग मॉनिटर की टू टाइप्स हैं। नंबर वन इज़ मोनोक्रोम मॉनिटर एंड नंबर टू इज़ कलर मॉनिटर। मोनोक्रोम मॉनिटर सिर्फ एक ही कलर का होता है। फॉर एग्जांपल
ग्रीन, येलो एंड वाइट, और सम टाइम ये कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड भी प्रोवाइड करता है। ये मॉनिटर सिर्फ टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है, इन्हें ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। नंबर टू इज़ कलर मॉनिटर। कलर मॉनिटर पर रेड, ग्रीन और ब्लू कॉम्बिनेशन शो किए जाते हैं। ये बेसिक कलर होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन से हम और भी बहुत सारे कलर दिखा सकते हैं। मॉनिटर की बेसिक्स टू टाइप्स हैं। नंबर वन इज़ कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर CRT एंड नंबर टू इज़ फ्लैट पैनल मॉनिटर CRT मॉनिटर। एक CRT मॉनिटर फॉस्फोरस की कोटेड स्क्रीन पर मुश्तमिल होता है। इसकी बैक में तीन इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं। स्क्रीन पर फॉस्फोरस की डॉट ऑफ ग्रिड की फॉर्म में होती है। फॉस्फोरस के कम से कम डॉट की रेंज जिन पर गन फोर्स कर सकती है को पिक्सल या पिक्चर एलिमेंट्स कहते हैं। दूसरी टाइप है फ्लैट पैनल मॉनिटर। ये मॉनिटर अपने छोटे साइज़ की वजह से लैपटॉप और दूसरे पोर्टेबल कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं। ये एक्सपेंसिव होते हैं मगर CRT मॉनिटर जैसी हाई क्वालिटी और ब्राइट कलर प्रोवाइड नहीं करते। फ्लैट पैनल कंप्यूटर्स कई टाइप्स के होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले LCD मॉनिटर्स हैं। प्रिंटर। प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है जो पेपर पर हार्ड कॉपी को प्रोड्यूस करता है। प्रिंटर यूजुअली बिजनेस में पेपर पर डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रिंटर फॉल्स इनटू टू कैटेगरीज। नंबर वन इज़ इम्पैक्ट प्रिंटर, नंबर टू इज़ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर की। इम्पैक्ट प्रिंटर में हम बहुत कम इंक यूज़ करते हैं और जिसमें रिबन के साथ टकराव की वजह से इमेज प्रोड्यूस होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर की फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डेजी वेल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। नंबर टू इज़ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब हम बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। इसमें क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल थर्मल और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। ये प्रिंटर एक ऐसा पेपर यूज़ करते हैं जिस पर केमिकल की कोटिंग हुई होती है और जिस पर करेक्टर्स को जाहिर किसी भी तरीके से करते हैं। इस तरीके में हम लेज़र्स को यूज़ करते हैं। ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस। ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस वो कंपोनेंट हैं जो वॉइस, म्यूज़िक और अदर ऑडिबल साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस स्पीकर, हेडफोन और ईयरबड्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीकर की। स्पीकर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑडियो आउटपुट डिवाइस है। इसे हम साउंड कार्ड के ज़रिए सिस्टम यूनिट में मदरबोर्ड से कनेक्ट करते हैं। ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस करता है वॉइस की फॉर्म में और ऑडियो आउटपुट प्रोड्यूस करता है कंप्यूटर गेम्स में, वीडियो क्लिप्स में और अदर एप्लीकेशंस में। स्पीकर हमारे पास डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होते हैं। अब हम बात करेंगे हेडफोन्स की। हेडफोन स्पीकर की जगह पर इस्तेमाल होते हैं ताकि इसके ज़रिए पब्लिक लाइब्रेरी में बैठे लोग डिस्टर्ब ना हों। हेडफोन कानों से बाहर वाली साइड पर इस्तेमाल किए जाते हैं और इसको हम तब भी इस्तेमाल करते हैं जब हम अपने फ़ोन कॉल्स पर किसी दूसरे से बात कर रहे हों या किसी वेब कॉन्फ्रेंस मीटिंग में पार्टिसिपेट करें थ्रू द कंप्यूटर। ये हमारे पास वायरलेस फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं बट वायरलेस फॉर्म में हम इन्हें मोबाइल फ़ोन के साथ यूज़ करते हैं। अब बात करेंगे ईयरबड्स की। ईयरबड्स ये हमारे पास डिजिटल मीडिया प्लेयर, हैंड हेल्ड गेमिंग डिवाइसेस और अदर डिवाइसेस में यूज़ होते हैं। ईयरबड्स को भी हम कानों से बाहर वाली साइड पर इस्तेमाल करते हैं। बोथ हेडफोन एंड ईयरबड्स यूजली इंक्लूड नॉइस कैंसलिंग टेक्नोलॉजी। इन दोनों में नॉइस कैंसलिंग टेक्नोलॉजी होती है। ये बाहर की आवाज़ को अंदर की आवाज़ के निस्बत वॉल्यूम स्लो कर देते हैं, यानी बाहर की आवाज़ का वॉल्यूम बिल्कुल रिड्यूस कर देते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक ऐसी डिवाइस है जो ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर डाटा और इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होती है। कंप्यूटर प्रोग्रामों को भी अमूमन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम हदायत का एक सेट होता है जो कि एक मखसूस मसला हल करने के लिए कंप्यूटर को दिया जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को दो बड़ी टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर वन इज़
सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड नंबर टू इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर से मुराद ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर के एक्चुअल ऑपरेशंस को कंट्रोल करने और मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आमतौर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ बुनियादी ज़रूरियात जैसे फाइल मैनेजर्स, डिस्प्ले मैनेजर्स और नेटवर्क कंट्रोल सॉफ्टवेयर वगैरह पर मुश्तमिल होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के जरिए हम डाटा को डिस्क के अंदर सेव कर सकते हैं, मेकिंग कंप्यूटर टू वर्क फॉर अस और प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, इस तरह के काम करवाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल्स भी हमारे पास लिनक्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वगैरह आते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की फोर मेन टाइप्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज प्रोसेसर। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड ऑपरेशन। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन एवरी कंप्यूटर। इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर यूजर एंड द हार्डवेयर। द यूजर इंटरेक्ट्स विद द कंप्यूटर थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है जिसे हम कंप्यूटर सिस्टम में इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें यूजर्स कैन यूज़ यूटिलिटी प्रोग्राम टू परफॉर्म मेंटेनेंस टास्क रिलेटेड टू द डिफरेंट डिवाइसेस एंड प्रोग्राम्स। द यूटिलिटी प्रोग्राम्स कीप द कंप्यूटर सिस्टम रनिंग स्मूथली। मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड डिफरेंट बिल्ट इन यूटिलिटी प्रोग्राम्स, फॉर एग्जाम्पल फाइल व्यूअर, बैकअप यूटिलिटी, फाइल कंप्रेसर, डायग्नोस्टिक यूटिलिटी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। फाइल व्यूअर में क्या होता है, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले एंड मैनेज फाइल एंड फोल्डर्स। बैकअप, इट इज़ यूज टू टेक बैकअप ऑफ डाटा, इसके जरिए हम डाटा को वापस ला सकते हैं। फाइल कंप्रेसर फाइल के साइज़ को रिड्यूस कर देता है। डायग्नोस्टिक यूटिलिटी, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करती हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस। ये वायरस को रिमूव करने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा डिलीटिंग फाइल्स यूज़र अकाउंट एंड सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होता है, फॉर्मेटिंग के लिए और डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लैंग्वेज प्रोसेसर। अब हम बात करेंगे कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है। कंप्यूटर यूज़र्स की ज़रूरियात के लिहाज से मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे सकता है। इन कामों को सर अंजाम देने के लिए कंप्यूटर को हदायत की ज़रूरत होती है जो कि उसे बताती हैं कि मतलूबा काम किस तरह करना है। किसी मसला को हल करने के लिए हदायत का सेट कंप्यूटर प्रोग्राम्स कहलाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हदायत को एक मखसूस ऑर्डर में लिखने के लिए एक फॉर्मेट बनाती है जिन्हें कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एल्गोरिथम को बयान करने के लिए फ्रेमवर्क मुहैया करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर के साथ रابطे का ज़रिया है। आइए अब हम इसके टाइप्स को देखते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज की टाइप्स। प्रोग्राम्स लिखने के लिए बहुत सी कंप्यूटर लैंग्वेजेस अवेलेबल होती हैं। हर एक की अपनी करेक्टरिस्टिक्स और वीकनेस होती हैं जिन्हें ज़रूरियात के लिहाज से परखा जाता है। एक लैंग्वेज जो कि एक एप्लीकेशन के लिए नहायत मौजू होती है, ज़रूरी नहीं कि वह हर काम के लिए मौजू हो। कंप्यूटर लैंग्वेज को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर वन इज़ लो लेवल लैंग्वेज एंड नंबर टू इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले हम देखेंगे लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्राम्स को हाई डिग्री कंट्रोल मुहैया करती हैं, लेकिन इन्हें इस्तेमाल होने वाले हार्डवेयर की तफसील की ज़रूरत होती है। ये हकीकतन एडवांस प्रोग्रामिंग की ज़रूरत के लिए दरकार होती हैं। लो लेवल लैंग्वेज की दो बड़ी टाइप्स हैं। नंबर वन इज़ मशीन लैंग्वेज एंड नंबर टू इज़ असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर में प्रोसेसर बहुत से काम सर अंजाम देता है जिनमें से हर एक को ऑपरेशन कोड के ज़रिए आइडेंटिफाई किया जाता है। मतलूबा डाटा कीमतों और पैरामीटर कीमतों के साथ मेमोरी में सही तरतीब के साथ सही ऑपकोड्स को इस्तेमाल करते हुए मशीन कोड में बराह रास्त प्रोग्राम लिखना मुमकिन है। प्रोग्राम को बाइनरी अदाद की सीरीज़ के तौर पर दिखाया जा सकता है, लेकिन ये एक प्रोग्राम लिखने का अमली तरीका नहीं है। डिफ़िकल्ट और ज़्यादा वक्त तलब होने के अलावा इस तरह लिखे गए प्रोग्राम्स गलतियों से भरपूर होते हैं और इनकी गलतियां दुरुस्त करना बहुत मुश्किल होगा। इस वजह से आम तौर पर प्रोग्राम एक ऐसी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जिसे इंसान के लिए समझना आसान होता है और प्रोसेसर के समझने के लिए मशीन कोड में
ट्रांसलेट किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे असेंबली लैंग्वेज की। असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज के बहुत करीब होती है। असेंबली लैंग्वेज में कमांड्स को छोटे नामों से ज़ाहिर किया जाता है जिन्हें निमोनिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर आईडी का मतलब खास डाटा वैल्यू के साथ लोड एक्यूमुलेटर है। चूँकि हर एक प्रोसेसर का काम करने का अलग अंदाज होता है, इसलिए मुख्तलिफ प्रोसेसर मुख्तलिफ असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग पुचीदा हैं, लेकिन ये हाई लेवल लैंग्वेजेस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कंट्रोल मुहैया करती हैं। असेंबली लैंग्वेज कोड में लिखे गए प्रोग्रामों का असेंबलर के ज़रिए मशीन में तर्जमा किया जाता है। असेंबलर को इस्तेमाल करते हुए मशीन कोड को वापस असेंबली लैंग्वेज कोड में तब्दील किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस इंसानी ज़ुबान के करीब मगर मशीन लैंग्वेजेस से दूर होती हैं। ये मशीन से आज़ाद लैंग्वेजेस होती हैं जिन्हें तीसरी जनरेशन की लैंग्वेजेस कहते हैं। ये लैंग्वेजेस इंग्लिश के अल्फाज, बुनियादी हिसाबी इलामात और चंद वक्फी करेक्टर्स पर मुश्तमिल होती हैं। ये लैंग्वेजेस सादा बयानात को मुख्तसर तौर पर बयान करने की सहूलत देती हैं। हर हाई लेवल लैंग्वेजेस का अपना कंपाइलर होता है। फॉर एग्जांपल फोर्ट्रान, बेसिक, कोबोल, लिस्प, पास्कल, विजुअल बेसिक्स, जावा इसके टाइप्स में आती हैं। अब हम देखेंगे कि फोर्ट्रान क्या है। 1957 में फोर्ट्रान एक पहली हाई लेवल लैंग्वेज के तौर पर मंजरे आम पर आई। इस लैंग्वेज को IBM पर साइंटिफिक कंपोनेंट के लिए डिज़ाइन किया गया। इसे ज़्यादातर साइंटिफिक मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। अब हम बात करेंगे बेसिक। बेसिक को स्टूडेंट्स के लिए टाइप शेयरिंग कंप्यूटर टर्मिनल को इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम लिखने के लिए डिज़ाइन किया गया। बेसिक का मकसद प्रोग्रामिंग के तसव्वुरात आसान अंदाज में सीखना था। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इदाद पर काबू पाने के लिए फोर्ट्रान अगरचे अच्छी थी, लेकिन इनपुट और आउटपुट पर काबू करने के लिए जो कि बिजनेस कंपोनेंट के लिए अहमियत रखती है इतनी अच्छी नहीं थी। कोबोल को कारोबार के लिए डिज़ाइन किया गया। लिस्प लिस्प से मुराद लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज है। ये मसनूई जहानत की रिसर्च के लिए बनाई गई। चूँकि ये एक आला स्पेशलाइजेशन फील्ड के लिए बनाई गई, इसलिए इसका सिंटैक्स आम लैंग्वेजेस से बहुत मुख्तलिफ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स ऐसे प्रोग्राम हैं जो हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्राम को मशीन कोड में तब्दील करते हैं। किसी भी लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को एक ख़ास किस्म के सॉफ्टवेयर के ज़रिए चेक किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम गलतियाँ चेक करता है, कोड को ऑप्टिमाइज़ करता है और उस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में तब्दील करता है। इस सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज डिज़ाइन करता है। इस मकसद के लिए तमाम सॉफ्टवेयर तीन बड़ी टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं। नंबर वन इज़ असेंबलर, नंबर टू इज़ कंपाइलर, नंबर थ्री इज़ इंटरप्रेटर। अब हम देखेंगे कि असेंबलर क्या होता है। असेंबलर एक प्रोग्राम है जो कि एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर कंपाइलर क्या है। कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो कि एक सोर्स प्रोग्राम मींस हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया जो मटेरियल होता है उसको मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले उसे पढ़ता है। थर्ड वन है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर प्रोग्राम की हर लाइन को देखता है और डिसाइड करता है कि इस लाइन का क्या मतलब है। मुमकिन गलती के लिए उसको चेक करता है, हर मर्तबा एनालाइज़र करता है। इंटरप्रेटर के ज़रिए प्रोग्राम पर अमल की रफ्तार कदरे सुस्त हो जाती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क और एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर। ये बहुत सारे टास्क और एप्लीकेशन को कंप्यूटर में परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल। पीपल यूज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अपनी ज़रूरत के लिहाज से लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एप्लीकेशन पैकेज। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजेज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू फंक्शन। और ये अपना फंक्शन को करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करता है। इट रन्स ऑन द टॉप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की टॉप पर रनिंग करता है। एग्जाम्पल वर्ड प्रोसेसर सच एज MS वर्ड, स्प्रेडशीट सच एज MS एक्सेल एंड लोटस 1-2-3, डेटाबेस सॉफ्टवेयर सच एज MS एक्सेस एंड ओरेकल, ग्राफिक सॉफ्टवेयर सच एज कोरल ड्रा एंड एडोब फोटोशॉप एक्सेट्रा।